दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पुरानी साड़ी को किस तरह रीयूज करें। तो आपके पास बहुत सारी पुरानी साड़ी पड़ी होंगी, तो आप उसको नया लुक कैसे दें, तो आज की वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो ये मेरी पुरानी साड़ी है, तो इसका मैंने 3 मीटर एक पीस कट कर लिया है, और ये जितना मेरा ब्लाउज की लंबाई है उतना, हाफ मीटर से भी कम है, उतना पीस मैंने ये कट कर लिया है। बाकी का ये बचा हुआ टुकड़ा है ये भी मैंने कट कर लिया है। कि जैसे मैंने ये बताया कि 3 मीटर ये कट कर लिया, और ये मैंने 15-16 इंच की लंबाई इसकी मैंने ब्लाउज के लिए ले लिया, और जो बचा हुआ टुकड़ा है तो अभी आपको मेजरमेंट करके बता दूँ, जिससे आप इसका डबल लेयर भी बना सकते हैं या फिर इसमें से आप कुर्ती भी बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 मीटर बचा है मेरा, करेक्ट। मैं इसको डबल लेयर बना रही हूँ। अगर आप सिंगल लेयर बनाना चाहते हैं तो जो ये 2 मीटर कपड़ा बचा है इसमें से आप एक कुर्ती बना सकते हैं। अभी मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ और इसकी कटिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम ब्लाउज कट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कॉटन लाइनिंग लिया है, और ये मैंने ब्लाउज के लिए कपड़ा भी कट कर लिया है, और जो ये 3 मीटर है ये नीचे फर्स्ट लेयर रहेगा, और जो 2 मीटर है इसका सेकंड लेयर है। सबसे पहले हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, और लाइनिंग को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है साइज के अनुसार। अभी इसकी कटिंग बताती हूँ आपको। तो देखिए ये दोनों हमारे बंद हिस्सा है। तो अब ब्लाउज की लंबाई ले लें, जितना भी लंबाई है आपका। तो मेरी लंबाई 15 इंच है, लेकिन तैयार में ये 13.5 इंच आएगा। मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन, और ये बोट नेक में रहेगा। तो शोल्डर आप पूरा ले लें, जैसे कि मेरा 14 इंच शोल्डर है, तो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 15 इंच लिया है, और इसको मैं स्लीवलेस बना रही हूँ। देखिए ये दोनों पीस में एक साथ कट कर रही हूँ, ये फ्रंट बैक दोनों एक साथ कट हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा कटेंगे उसको बाद में कट कर देंगे, तो इसीलिए आप एक साथ भी कट कर सकते हैं। अभी मुड्डे लेते हैं 7 इंच, साइज है 32 इंच, और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो मैंने 10 इंच लिया है। आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच, और शोल्डर से 1/2 इंच क्रॉस में ले लें। देखिए अभी हम करते हैं नेक की कटिंग। बोट नेक ले रही हूँ मैं, तो 4 इंच ले रही हूँ, तैयार में 3.5 इंच आएगा, और शोल्डर से 3.5 इंच ले रही हूँ। गुलाई 1.5 इंच, सेम ड्रॉ पे कट कर देंगे। तो ये जो बीच से बंद था ये मैंने कट कर दिया। तो देखिए एक पार्ट हमारा ये, अभी हम जो फ्रंट पीस है उसमें एक्स्ट्रा कटिंग देंगे, तो उसको साइड में रख लेते हैं, और बैक हमारा कंप्लीट है। इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग दे दें। तो देखिए ये दोनों पार्ट हमारे कट हो गए। देखिए जो हमने बोट ने कट किया है इसको रख के, इसको हम कैनवास कट कर लेते हैं, और सेम हम नेक पट्टी भी कट कर लेंगे। कैनवास की चौड़ाई 1 इंच ले, और नेक पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच। इसी तरह दोनों आगे पीछे दोनों का कट कर लूंगी। तो देखिए ये जो स्लीव लेस बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने ये क्रॉस कटिंग पट्टी कट कर ली है, जो बचे हुए टुकड़े हैं। तो आप इस पट्टियों को इस तरह से ज्वाइंट कर लें। और देखिए सेम ड्राफ्ट करके मैंने ये ब्लाउज पीस कट कर लिया है, और अभी आपको यहाँ पे सिलने का तरीका बताती हूँ, इसको किस तरह से आपको सेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ब्लाउज को नीचे रख लें, और उसके ऊपर ये लाइनिंग रख लें। जब आप लाइनिंग रख लेंगे, चारों तरफ से आप इसको स्टिच कर दें। स्टिच हो जाने के बाद जो नेक है इसको कट कर दें। उसके बाद फिर इसी तरह नेक को हम तैयार कर लेंगे, और फिर इसमें अटैच कर देंगे। आपको बताते हैं इसकी स्कर्ट कैसे कट करनी है। तो जो हमारा गाउन है उसकी टोटल लंबाई है 52 इंच, उसमें से हमारा 13.5 इंच ब्लाउज आ जाएगा, और 38.5 इंच हमारा ये आएगा स्कर्ट। तो हम स्कर्ट में 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, जो कि हमारा नीचे पीको करने में और कमर में स्टिच करने के लिए। मैंने 3 मीटर कपड़ा कट किया था, तो इसको डबल फोल्ड कर लिया। ये देखिए क्लोज हिस्सा है, और ये देखिए हमारा ये ओपन हिस्सा है। तो देखिए जो बंद हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें एक ही स्टिचिंग आती है, वन साइड, और वन साइड ये क्लोज रहता है। तो इस तरह से आप बराबर से इसको फोल्ड कर लें, और देखिए ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ से इस तरह से पकड़ के सेंटर से फोल्ड कर लें। तो देखिए मैंने फोल्ड कर दिया, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पे हमारा कमर का मेजरमेंट ले लें। देखिए हमारा कमर साइज है 34 इंच, तो उसके लिए हमको यहाँ पे 8.5 इंच आना है। तो यहाँ पे आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें।
अब ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद जो ये कॉर्नर है, यहाँ से आप सेंटर देख रहे हैं कितना आ रहा है, तो देखिए 11 इंच आ रहा है। और सेम आपको इस साइड में भी देखना है कि 11 ही आना चाहिए। अगर इधर देखिए 12 आ रहा है, तो ये बराबर से इस कट नहीं आएगा हमारा। और सेम ये कोना भी देख लें, इधर भी सेम आना चाहिए। तो 11 इंच लेके तीनों पॉइंटों को आप एक कर दें और सेम ड्रॉ पे भी इसको कट कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसकी नीचे से लंबाई लेंगे। देखिए कमर हमारी कट हो जाने के बाद अभी हम ऊपर से मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारी साइज के अनुसार इसमें 38.5 इंच चाहिए हमको, और 1 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें जो कि कमर में स्टिचिंग हो जाएगा और नीचे पीको करेंगे। तो 39.5 इंच ले लें, देखिए ले लिया। अब सेम इसी तरह से हम 3-4 पॉइंट दे देंगे जिससे कि इसकी जो कटिंग है हमारी बराबर से आ सके। और सेम इस कोने पर भी इसी तरह से। जो हमने पॉइंट दिए हैं उन पे सब पे गुलाई कर लें और सेम गुलाई पे इसको कट कर दें। तो देखिए हमने ये कट कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि एक पार्ट हमारा पूरा लेंथ है जो कि कोई जॉइंट नहीं है, दूसरा पार्ट है उसमें हमारे जॉइंट आएगा। तो जो बचा हुआ टुकड़ा है इसमें से आप एक पीस को कट कर लें। टुकड़ा था इसको इस तरह से रख लें इसके साइज के अनुसार और सेम साइज में इसको फिर कट करते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट लेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो सेकंड लेयर है जो 2 मीटर कपड़ा बचा था इसको भी मैंने सेम जो 3 मीटर फोल्ड किया था उसी तरह इसको फोल्ड कर लिया है। और इसको भी कमर के अनुसार ही मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, सेम कट कर दूंगी। और उसके बाद आप देखेंगे इसका लेयर हमारा इतना आ रहा है, तो हम इसमें एक नया शेप देने वाले हैं, वो आपको भी बताती हूँ। तो देखिए कमर मैंने कट कर दी है, अभी ये सेकंड लेयर है तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे फर्स्ट लेयर से। तो जो आप देखिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेयर है ये इतना पार्ट आ रहा है, इससे हम 4 इंच का इसमें गैप देंगे दूसरे पार्ट में। तो 4 इंच पर निशान लगा लेते हैं, तो सेम 4 इंच पर उधर से भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस जो साइड का पार्ट है हमारा, यहाँ से मैंने 13 इंच तक 4-4 इंच पे ये निशान लगा दिया शॉर्ट में। अब 13 इंच के बाद अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नया लुक देने वाले हैं, तो इसको इस तरह से हम स्ट्रेट ले लेंगे। और सेम ड्रॉ पे इसको कट कर देंगे अभी। कि दोनों लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। अब ये मैंने लाइनिंग लिया, लाइनिंग में 2 मीटर ले रही हूँ और इसको ए लाइन में डालूंगी। तो उसके बाद आपको यहाँ से डबल फोल्ड कर लें और अपना कमर का मेजरमेंट ले लें, जो कमर का साइज है उससे थोड़ा सा ज्यादा ले लें, कमर में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। और उसके बाद इसको क्रॉस में इस तरह से काट दें। जो ये पीस बचेगा हमारा वो हम इसको नीचे लगा देंगे जिससे कि इसका भी घेर ज्यादा आ जाएगा। पीस कट हो गए, जो ये पीस बचा था ऊपर का इसको हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दें, तो इसका घेर काफी आ जाएगा नीचे। और सबसे पहले आपको स्टिचिंग ये पीस जॉइंट करना है और साइड से दोनों साइड से इसको सिल लें, तो ये पीस हमारा सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ये स्कर्ट है जो इसमें जॉइंट आ रहा है, आप इस जॉइंट को स्टिचिंग कर लें क्योंकि आपको एक ही लेयर में स्टिच करना है। और उसके बाद आप नीचे इसमें पीको कर दें और सेम पीको हम दूसरा लेयर में करेंगे। देखिए जो ड्राफ्ट मैंने एक लाइनिंग कट किया था, सेम ड्राफ्ट में ब्लाउज भी कट कर लिया। और देखिए इसके साथ मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और नेक भी स्टिच कर लिया, और इस नेक को मैं कट कर दूंगी। अभी मैंने ये अटैच कर दिया, इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग कर देती हूँ किनारे पर। अभी प्लेट डाल देते हैं, तो ये जो सेंटर लाइन है सेंटर लाइन से 3 इंच के आसपास छोड़ के प्लेट डालनी है और 5 इंच लंबी प्लेट डालनी है। मैंने दोनों पीस तैयार कर लिए, जैसे ये किया वैसे ये कर लिया। अभी हम शोल्डर से ज्वाइंट करते हैं दोनों पीसों को, दोनों साइड के शोल्डर ज्वाइंट कर दिए हैं, तो ये पूरा सिल गया। अभी अभी हम ये जो हम स्लीव लेस बना रहे हैं तो यहाँ पर अभी फिनिशिंग देने के लिए हमने जो पट्टी कट की थी इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लें और डबल फोल्ड करके पूरा राउंड में स्टिच कर दें। ये मैंने स्टिच कर दिया, अभी हम इसको इस तरह से पलट के यहाँ पर मशीन डाल देंगे। दोनों साइड मुड्डी में मैंने फिनिशिंग दे दी है। और देखिए और बेहतर लुक लाने के लिए ये मैंने लेस लिया है जो कि मैं यहाँ पर आर्म होल में लगाऊंगी।
आगे पीछे दोनों साइडों में और आगे नेक में भी लगाऊंगी। सबसे पहले मैं आगे की नेक में बन लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने ये लेस गले पे और मुड्डे में दोनों साइड लगा ली है। अभी हम इसकी फिटिंग दे देते हैं। तो उल्टा रख ले और जो आपने मार्जिन लिया है सेम मार्जिन पे आप इसकी फिटिंग दे दे। ये हमारा ब्लाउज रेडी हो चुका है। अभी हम स्कर्ट की तरफ चलते हैं। तो ये लाइनिंग है जो कि ये लाइनिंग में मैंने कट किया था और देखिए ये पूरा मैंने सिल दिया है। नीचे पीको भी कर दिया है पैर की तरफ। तो देखिए साइड में जो एक स्टिचिंग डालनी थी ज्वाइंट करना था वो ज्वाइंट कर लिया है। और देखिए जो नीचे पीस ज्वाइंट करना था ये इसमें ये पीस ज्वाइंट कर दिया। नीचे मैंने पीको भी कर दिया है। इसी तरह मैंने दूसरा लेयर भी तैयार कर लिया। तो अभी इसको आपको अटैच करने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट लेयर है। अभी जो हमारा ये सेकेंड लेयर है देखिए ये मैंने अंदर लाइनिंग रखा है और जो फर्स्ट लेयर लाइनिंग के बाद फर्स्ट लेयर आ रही है और फर्स्ट लेयर के बाद सेकंड लेयर। तो जो हमारा सेकंड लेयर है ये ऊपर आएगा और फर्स्ट लेयर है वो नीचे जाएगा अंदर जाएगा लाइनिंग। अभी हम तीनों जो सिलाई है एक साथ में एक ही साइड में सेट कर लें और पूरा राउंड में अभी स्टिच डाल देते हैं तीनों पीस एक हो जाए। देखिए कमर पे मैंने ये तीनों पीस राउंड में स्टिच कर दिए। अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो देखिए अभी ये स्कर्ट तैयार हो गई है। ये भी तैयार है। अभी हम इसको ज्वाइंट करते हैं। तो स्कर्ट को इस तरह से सीधा रख लें और ब्लाउज को इस तरह से उल्टा कर लें। उल्टा करके इसके अंदर से निकाल दें। निकालने के बाद जो इसकी सिलाई है हमारी साइड की ये एक कोने पर ले लें एक साइड जो फिटिंग है यहाँ पर और इस तरह से इसको पूरा राउंड में स्टिच कर दें। इस तरह से सेट कर लें और अभी हम इसको कमर में स्टिच कर देते हैं स्कर्ट को और ब्लाउज को एक साथ। कि यहाँ पे हमने जो लेस लगाई थी कितनी सुंदर लग रही है। तो ये इस तरह से आपका ऊपर की साइड आएगा। यहाँ पे हमारा ये थ्री पीस ज्वाइंट हो चुके हैं। तो देखिए अभी नीचे का पार्ट दिखाती हूँ आपको तो किस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए अंदर हमारा लाइनिंग जा रहा है उसके बाद फर्स्ट लेयर है और उसके बाद हमारा ये सेकंड लेयर है। तो जो सेकंड लेयर है वो हमारी डिफरेंट है। वन साइड में 4 इंच शॉर्ट है वन साइड में थोड़ा ज़्यादा है। तो ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से आप पुरानी साड़ी को रीयूज कर सकते हैं लॉन्ग गाउन बना के। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।